जैसा कि आप सबको विदित है कि शहर की पेयजल व्यवस्था को लगातार बेहतर और बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और इसी कड़ी में हमको सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 25-26 ये ऐसे वार्ड है जहां पर हमारी पूरी सप्लाई बोरिंगों पर आधारित है, क्योंकि वहां पर पेयजल आवर्धन योजना जब लागू हुई थी और वहां उस शहर का विस्तार उस समय वहां हुआ नहीं था, तो हमारी पेयजल की लाइन वहां पर है नहीं। तो हमको सूचना मिली थी कि कई लोगों ने बोरिंगों पर अतिक्रमण कर रखा है, उनके कनेक्शन अपने घर में ले लिए हैं नगर पालिका की बिना अनुमति के। ऐसे तमाम अवैध कनेक्शनधारियों का हमने सर्वे करवाया और लगभग 36 नाम हमारे सामने निकल कर आए थे। उन सभी को हमने नोटिस जारी किए हैं और तय समय सीमा में उन नोटिसों का जवाब देने के साथ ही स्वतः कनेक्शन काटकर उस कनेक्शन को अपने घर से बाहर करने का आग्रह उनसे किया है। अगर ये कनेक्शनधारी माने नहीं तो इस नोटिस के समय सीमा के बाद हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, जुर्माना भी वसूलेंगे और जरूरत पड़ने पर FIR भी कराएंगे। ये सिर्फ अभी हमारी दो वार्डों से शुरुआत है। पूरे नागदा शहर में हमारे 185 बोरिंग है और 185 बोरिंग पर ही आने वाले समय में हम इसका सर्वे करवाना हमने शुरू कर दिया है, और 185 बोरिंग पर ही जितने इस तरह के अवैध कनेक्शन हमको मिलने वाले हैं उन सब पर हम कार्रवाई करने वाले हैं। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि अगर आपने कहीं किसी बोरिंग से इस तरह का कोई अवैध कनेक्शन कर रखा है तो कृपया उस कनेक्शन को आप स्वतः ही काट कर और बंद कर दें, अन्यथा आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के लिए नगर पालिका को बाध्य होना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं उन तमाम उपभोक्ताओं से भी आग्रह करता हूँ जिन्होंने हमारे चंबल नदी के पानी की जो पाइपलाइन है उसमें अवैध कनेक्शन कर रखे हैं। हमने 30 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे लगभग 4,000 उपभोक्ता हमारे सर्वे में निकल के आए थे, लेकिन उसके बाद कई उपभोक्ताओं ने अपना दस्तावेज दिखा दिया और कई ने अपने अवैध कनेक्शनों को पेनल्टी के साथ वैध करा लिया है। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या हमारे पास है जो अवैध तरीके से नल कनेक्शन का दोहन कर रहे हैं। मेरा उनसे भी आग्रह है कि 30 तारीख के पहले आप नगर पालिका पहुंचकर अपने अवैध कनेक्शनों को वैध करवा लीजिए, अन्यथा 30 तारीख के बाद हम ऐसे समस्त अवैध कनेक्शन धारियों के खिलाफ FIR करवाने वाले हैं, और ऐसे सारे अवैध कनेक्शन धारियों की सूचना जानकारी, उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनका पता और उनके मोबाइल नंबर हमारे पास दर्ज है। इसलिए कोई भी अवैध कनेक्शन धारी ये नहीं सोचे कि वो इस कार्रवाई से, इस प्रक्रिया से बच जाएगा। मेरा आप सब लोगों से पूछा आग्रह है, आप नगर को सहयोग करें और इस तरह का कोई काम ना करें जिससे आप भी परेशान हो, नगर पालिका भी परेशान हो। मेरा आप सबसे पुनः आग्रह है कि आप अपने अवैध कनेक्शनों को वैध करवा लीजिए। धन्यवाद। हेलो पेरेंट्स, क्या आप भी अपने नन्हे मुन्हे बच्चों के लिए एक बेहतर किड्स प्ले स्कूल की तलाश में हैं? तो आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे नागदा शहर के सबसे बड़े एवं अफोर्डेबल किड्स प्ले स्कूल दी हम्प्टी डम्प्टी में, जहां आपको अपने बच्चे को गेट तक छोड़कर जाना है, उसके बाद वे हमारी जिम्मेदारी हैं। जी हां, हमारे यहां आपको वो सभी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी जिससे बच्चे की सीखने की क्षमता विकसित हो और वे एक बेहतर इंसान बन सकें। हमारे प्ले स्कूल में जो भी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, वो आपको नागदा के किसी भी दूसरे प्ले स्कूल में नहीं मिलेंगी। इसीलिए सभी पेरेंट्स की पहली चॉइस दी हम्प्टी डम्प्टी। हमारे यहाँ बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक्सपीरियंस्ड टीचर्स और गुड केयर टेकर्स भी हैं। हमारे यहाँ बच्चों को प्रतिदिन गाय का दूध और पौष्टिक आहार दिया जाता है, जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ बच्चों को ऑडियो विजुअल तरीके से पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों को सीखने और समझने में आसानी होती है। तो अगर आपको आपके बच्चे का भविष्य बनाना है तो आपको हमारे हम्प्टी डम्प्टी स्कूल में आना है। एडमिशन्स ओपन हो गए हैं
हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर 888-9488-540 एवं 7987-67-6690। हम तक पहुंचने के लिए पालिया रोड स्थित आर्य गार्डन से बाई ओर 10 कदम की दूरी पर ही दिख जाएगा आपको हमारा विद्यालय, जो कि आदित्य विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में ही स्थित है। तो पधारिए और अपने बच्चों के भविष्य को दें एक नई उड़ान। धन्यवाद। हम्टी डम्टी हम्टी डम्टी हम्टी डम्टी हम्टी डम्टी हम्टी